आज हम वैशाख नंदिनी, अब इंग्लिश में इसको बोलते हैं जैनी, और जैनी का बच्चा भी है सामने, वैशाख नंदिनी का। भाई मैंने जिंदगी में पहली बार गधे का दूध निकाला, भाई ऊँटनी का दूध निकाला था, गाय का, भेड़ का, बकरियों का, और इसमें तो मतलब ये दूध भी बढ़िया निकल रहा है भाई ऐसे, और दोनों थनों से आहा, और गधी भी इतनी शरीफ है, क्या बात है। और इसका जो दूध है ये सुपर टोनिक भी है और ये सुपर कॉस्मेटिक का काम करता है। अब इसका बच्चा बेचारा झांक ही रहा है तो भाई ये ना सोचे कि भाई आज ये बाबा जी के हत्थे चढ़ गई गधी, इसका पूरा दूध दोह डाला, इसके बच्चे को पिला दो भाई। हाँ छोड़ दो बच्चे को, ये हमारा क्या नाम बालक का, नितिन की भाई इस गधी का हम सम्मान भी करना चाहते हैं, एक बार जोरदार तालियां भाई इसके लिए। और इधर बेटियां जो है बड़ा अच्छा आसन भी कर रही है, ये 5 मंजिल ऊपर तक चढ़ गई थी जब ये हम बना रहे थे ना पतंजलि गुरुकुलम। और डॉक्टर साहब इसका विशेष गुण क्या है, देखो मैंने भाई पी के तो नहीं देखा है, पहली बार मैं पी के देखता हूँ ये लगता कैसा है। अरे सच में वेरी टेस्टी, क्या बात है, सच्ची मैं मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैंने भाई गाय का, भैंस का, भेड़ बकरियों का सबका दूध पी रखा, ऊँटनी का भी पी रखा है, ये तो सच में भाई गजब का है भाई। ये कहते हैं डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। स्वामी जी इसके अंदर दो ऐसे स्पेसिफिक कंपाउंड हैं जो और दूध में कम पाए जाते हैं, इसका नाम है लैक्टोफेरिन, जो जेनी मिल्क में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और अच्छे वाले जो बैक्टीरिया हैं इसके दूध में से ही अच्छे निकल के आते हैं, जो हमें एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं स्वामी जी, और एंटी एजिंग का काम करते हैं। और वो जो कहते हैं ना मिश्र की महारानी, क्या नाम था उसका, क्लियोपेट्रा कहते हैं, वो इसके दूध से नहाया करती थी। हाँ स्वामी जी, खट्टे दूध से, मतलब दूध और दही के बीच के अवस्था में। अच्छा दही से, ये दही में, और इसमें वो गुलाब की पंखुड़ियां मिला दिया। हाँ स्वामी जी, हाँ स्वामी, अरे लगा इसको, उनके सौंदर्य का राज यही था। अच्छा इसलिए हमारा ये भी सुंदर हो रखा है आदित्य जी। हाँ स्वामी जी, हाँ लगा, क्या बात है। ये बड़ा जोरदार है। हाँ? तो ये दही, दूध से दही से हमारे यहाँ नहाया करते थे लोग। हाँ और हमारी बेटियां तो देखो ये तो दूध दही से नहाती भी है, खाती पीती भी है और पूरा आनंद करती है, इसलिए कठिन कठिन आसन यहाँ सीढ़ियों पर कर रही है। और देखो इधर बेटियां भी नीचे योग यजन में मस्त हैं। तो ये इसका संस्कृत में नाम है वैशाख नंदिनी, और गधे का नाम है वैशाख नंदन। वैशाख में ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो वैशाख नंदिनी का दूध की क्या महिमा है उसकी, वो आज हमने आपको बताई। इसका दूध, जिनको दूध से एलर्जी होती है ना उनको ये दूध पिला सकते हैं भाई, कम से कम 500 रुपए से 1000 रुपए लीटर में बेचियो। हाँ और भाई ये इन्होंने 5 मंजिल तक ये पतंजलि गुरुकुलम जो इतना सुंदर है इसको बनाने में भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया, और इसका जबरदस्त जो है इसकी महिमा है, और इतनी महिमा है इसकी कि आप इसको, इसका जो दूध है वो जो है इतना गुणकारक है, इतना औषधीय गुणों से भरपूर है कि इसका दूध और इसका दही दोनों विशेष उपयोगी है। तो ये एक तरह से अनजान सा पहलू था भारत में, उसकी तरफ हमने थोड़ा ध्यान दिलाया, ऐसे हर जीव का सम्मान करें। आज के बाद कोई किसी को गधा कहकर के या गधे कहकर के कोई किसी को गाली नहीं देगा, कोई किसी का अनादर नहीं करेगा। इसी संकल्प के साथ वैशाख नंदिनी का अभिनंदन करते हैं और आज के इस वीडियो को इसी के साथ विराम देते हैं कि हर एक जीव जो इस सृष्टि में है उसकी बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए कभी किसी का अनादर नहीं करना है।
जयेश दर्बी कलेक्शन कॉटन लिनन यासह अनेक ब्रँडेड कंपन्यांच्या सूटिंग शर्टिंग साठी जयेश दर्बी कलेक्शन सात रस्ता मोदी पंकाविहरी जवळ सोलापूर। मयूर क्लासिक एसी बैंक्वेट हॉल अब शादी के लिए मिलेगा सिर्फ 1,00,000 रुपए में। मयूर क्लासिक एसी बैंक्वेट हॉल जुले सोलापुर। मैनेजमेंट बाय स्पाइस एंड आइस इवेंट्स।